हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, घर पे आप कैसे इजी तरीके से चीज क्रीम बना सकते हो, उसकी रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई पे या फिर सॉस पैन पे ले लूँगी 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। हम दूध को तब तक बॉईल करेंगे जब तक ना इसमें एक उबाल आ जाए। दूध बॉईल होने के बाद हम फ्लेम को इमीडिएटली बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद कर लेने के बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध धीरे धीरे फटने लगा है और इससे छेना बनने लगा है। जब छेना और पानी ऐसे सेपरेट हो जाए तब समझिए कि छेना बन चुका है। अब हम इन छेने को पानी से निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे। हम एक बोल के ऊपर ऐसे एक स्ट्रेनर रख देंगे और फिर इसके ऊपर रख देंगे एक कॉटन का साफ कपड़ा। छेने को हम इसमें डाल के जो एक्सेस पानी है उसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल लेंगे ताकि नींबू का जो खट्टापन है वो छेने से निकल जाए। अब हल्के हाथों से इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि बचा हुआ पानी निकल जाए। अब हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अगर इसमें कोई पानी बच जाए तो वो धीरे धीरे निकल आएगा। ध्यान रखिए कि छेने को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, इससे हमें छेने को ब्लेंड करने में दिक्कत होगी। 5 से 10 मिनट बाद हम छेने को कपड़े से निकाल के एक बोल में ले लेंगे और एक स्पून से इसको ऐसे हल्के से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम एक ब्लेंडिंग जार में 6.5 छेने को ले लेंगे और उसको तब तक ब्लेंड करते रहेंगे जब तक ना ये सॉफ्ट एंड क्रीमी बन जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें क्रीमी टेक्सचर आना स्टार्ट हो चुका है, पर ये और भी ज़्यादा क्रीमी बन जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर से इसको एक बार ब्लेंड कर लेंगे। आप इस चीज़ क्रीम को 8 से 10 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, होममेड चीज़ क्रीम तैयार हो चुका है और आपने देखा कि इसको हमने कितना ईजिली घर पर बनाया है। सो आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।